हेलो दोस्तों, मेरा नाम आईपी है और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आईपी क्लासेस। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी डिफेंस एग्जाम की, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी की, आप करंटली पढ़ रहे हैं 11th क्लास में, 12th क्लास में, या आप तैयारी कर रहे हैं एचएसएससी की या सीजीएल की, तो वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक छोटे से लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, नंबर ऑफ इमेजेस बाय टू प्लेन मिरर। अगर दो प्लेन मिरर इंक्लाइंड हो कुछ एंगल पर, उससे कितनी इमेजेस बनेंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय टू मिरर्स। अगर दो प्लेन मिरर किसी थीटा एंगल पे अगर इंक्लाइंड हो, दो मिरर्स को कुछ इस तरह से रखा जाए कि उनके बीच का एंगल थीटा हो, तो वो किसी ऑब्जेक्ट की, अगर ऑब्जेक्ट उन मिरर्स के बीच में रख दिया जाए कहीं पर भी, उसकी कितनी इमेजेस बन सकती है, हम उसकी बात करेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले केस की। सबसे पहला केस मीन कि मान लीजिए आपके पास दो प्लेन मिरर गिवन है और जिनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है, और ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दिया जाए, कहीं भी मीन टू से ऑब्जेक्ट दो मिरर्स के बीच में, यहाँ भी रखा जा सकता है, यहाँ भी रखा जा सकता है, यहाँ भी, फॉर ऑल पोजिशंस, मैं लिखूंगा यहाँ पर फॉर ऑल पोजिशंस। तो आपने कैसे कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इमेजेस को, तो सिंपली आपने सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, आपने कैलकुलेट करना है 360 बाय थीटा। आपने 360 को डिवाइड करना है इस एंगल से, और अगर वो नंबर एक इवन नंबर आता है तो जो नंबर ऑफ इमेजेस रहेंगी वो रहेंगी 360 बाय थीटा माइनस 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फिर से सुन लीजिए कि अगर आप दो प्लेन मिरर जो इंक्लाइंड है थीटा एंगल पर, उनके बीच में ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दिया जाए, उससे कितनी इमेजेस बनेंगे, उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, 360 बाय थीटा माइनस 1। और याद रखें ये सभी पोजीशंस के लिए है, सभी पोजीशंस मीन टू से चाहे वो सिमेट्रिक हो चाहे वो एसिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक एसिमेट्रिक मीन टू से, ठीक है, सिमेट्रिक पोजीशन वो होती है जब ऑब्जेक्ट को जब हम रखते हैं तो ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली जो लाइन है दोनों तरफ दोनों मिरर्स के साथ इक्वल एंगल बनाए, अगर ये दोनों एंगल इक्वल रहते हैं तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को सिमेट्रिक कहा जाता है, और इसके अलावा अगर ये दोनों इक्वल ना हो उस पोजीशन को एसिमेट्रिक पोजीशन कहा जाता है, और ये दोनों पोजीशन के लिए फॉर्मूला है। चलते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ, पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान लीजिए थीटा इज 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री का मतलब कि दो प्लेन मिरर जो है वो दोनों प्लेन मिरर 90 पे इंक्लाइंड है, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, और अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसकी कितनी इमेजेस बनेंगी उसको कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, आपने सबसे पहले क्या करना है, 360 डिवाइड बाय दिस एंगल, 360 डिवाइड बाय 90, जब इसको कैंसिल करते हैं तो शायद ये 4 आएगा, और आपको पता है 4 जो है एक इवन नंबर है, और इवन नंबर के लिए नंबर ऑफ इमेजेस क्या होती है, 360 बाय थीटा माइनस 1, यानी आपको इस 4 में से माइनस 1 करना पड़ेगा, तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस इज 3। तो यानी इस केस में इस ऑब्जेक्ट की 3 इमेजेस बनेंगी। आप इस एग्जांपल को देख भी सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है और दो मिरर्स जिनके बीच का एंगल आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री है, उनको परपेंडिकुलर रखा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट की टोटल 3 इमेजेस है। आप एक इमेज ये देख सकते हैं, दूसरी इमेज ये है, और तीसरी इमेज ये है। तो इस तरह से आपने नंबर ऑफ इमेजेस को कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, एक एग्जाम्पल की और बात करते हैं। मान लीजिए थीटा 45 डिग्री है, 45 डिग्री यानी दो मिरर्स के बीच में, जैसे आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं जो एंगल है ये 45 डिग्री है, तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, 360 बाय थीटा, यानी 360 डिवाइड बाय 45, जब आप इसको कैंसिल करते हैं शायद ये 8 आएगा, 8 अगेन एक इवन नंबर है, और आपको पता है नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए क्या करना है, आपको 360 बाय थीटा में से माइनस 1 करना है, यानी आपने 8 में से माइनस 1 किया, इट्स 7, तो इस केस में टोटल 7 इमेजेस बनेंगी। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी नंबर 1 इमेज, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 इमेजेस बन चुकी है। क्या होगा अगर 360 बाय थीटा एक इवन नंबर ना आई, एक ओड नंबर आई, तो उस केसेस में, केस नंबर 2, इमेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितनी इमेजेस बनेंगी, उस केस में दो फॉर्मूले रहते हैं हमारे पास। इफ ऑब्जेक्ट इज एट बाईसेक्टर, अगेन सुन लीजिए, बाईसेक्टर मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए ये दो मिरर्स जो इंक्लाइंड हैं कुछ इस तरह से, उनके बीच का टोटल एंगल थीटा है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट है ये, और ऑब्जेक्ट को अगर मैं इनके मिड पॉइंट से यहाँ
से मिलाता हूँ, और अगर दोनों तरफ का जो एंगल है, ये थीटा वन और ये थीटा टू, अगर ये दोनों इक्वल है, थीटा वन इक्वल्स टू थीटा टू है, इट मीन इस पोजीशन को हम बाइसेक्टर वाली पोजीशन बोलेंगे, सिमेट्रिक पोजीशन है। और अगर ये सिचुएशन रहती है तो नंबर ऑफ इमेजेस का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा 360 बाय थीटा माइनस वन, यानी सेम वही जो पीछे हमने पढ़ा वही फॉर्मूला रहेगा। और अगर ऐसा नहीं होता, इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट एट बाइसेक्टर, यानी अगर दोनों एंगल बराबर ना हो, अगर ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से रख दिया जाए, ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से रख दिया जाए, मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ का एंगल अलग है और दूसरे तरफ का एंगल अलग है, यानी थीटा वन और थीटा टू इक्वल नहीं है। इस पोजिशन को असिमेट्रिक पोजीशन कहा जाता है, और इस केस के अंदर नंबर ऑफ इमेजेस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला रहता है सिंपली 360 बाय थीटा। आप इससे नंबर ऑफ इमेजेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स की तरफ। मान लीजिए दो मिरर्स के बीच का जो एंगल है वो 72 डिग्री का एंगल है, और जो ऑब्जेक्ट है वो हमने बिल्कुल बाइसेक्टर पे ही रखा है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? बाइसेक्टर पे है, सिमेट्रिक पोजीशन पे है। तो नंबर ऑफ इमेजेस कैलकुलेट कीजिए। तो हमने अभी देखा नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला रहता है 360 बाय थीटा माइनस वन। किसके लिए है? अगर 360 बाय थीटा ओड हो और पोजीशन कौन सी हो? सिमेट्रिक पोजीशन हो। तो सबसे पहले चेक कीजिए क्या ये ओड है या इवन है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले डिवाइड किया 360 बाय 72। अगर आप 360 को डिवाइड करते हैं 72 से, एक नंबर आता है 5, और आप देख सकते हैं 5 एक ओड नंबर है, और ओड नंबर आ गया। अब पोजीशन को चेक करना है, पोजीशन भी सिमेट्रिक है, तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या रहेंगी? 5 माइनस 1, इस केस में टोटल 4 इमेजेस बनेंगे। दूसरे एग्जांपल पे चलते हैं, ये हमारा पहला एग्जांपल है। मान लीजिए दूसरा एग्जांपल क्या है कि दो मिरर जो हैं, दो मिरर्स को कुछ इस तरह से रखा कि उनके बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री एंगल है। तो इस केस में ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, असिमेट्रिक पोजीशन पे है। इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस निकालते हैं, असिमेट्रिक है। सबसे पहले चेक करना है 360 बाय थीटा। तो 360 को मैंने थीटा से डिवाइड किया, एक नंबर आया 3, और 3 एक ओड नंबर है, ओड नंबर है। उसके बाद अब चेक किया क्या ये सिमेट्रिक है या असिमेट्रिक है। देख सकते हैं कि इस तरफ का एंगल कम है और इस तरफ का एंगल ज्यादा है, यानी ये असिमेट्रिक पोजीशन है। इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस सिंपली 360 बाय थीटा ही होता है, यानी यही आपका आंसर होगा, नंबर ऑफ इमेजेस 3 होंगी। लेकिन अगर यही इसी ऑब्जेक्ट को हम बिल्कुल सिमेट्री में रख दें, यहाँ पर रखते हैं कि एक तरफ का एंगल 60 दूसरा भी 60 हो जाए, तो उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस क्या रहती? 3 माइनस 1 2, उस केस में 2 इमेजेस बन। एक पॉइंट जो आपने सबसे इम्पोर्टेंट माइंड में रखना है कि अगर आप 360 को थीटा से डिवाइड करते हो और वो एक डेसिमल नंबर आ जाता है, एक डेसिमल नंबर आ जाए कुछ पॉइंट्स में, सपोज दैट यहाँ पर कोई डिजिट है और पॉइंट में कुछ और डिजिट आ जाए, तो आपने पीछे वाले को जस्ट सिंपली नेगलेक्ट कर लेना है। आपने उसका डेसिमल के जो आगे वाला नंबर है सिंपली वही यूज करना है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दो प्लेन मिरर को इंक्लाइंड किए हमने कुछ इस तरह से कि उनके बीच का जो एंगल है वो 50 डिग्री है। आपने सबसे पहले क्या चेक किया? 360 बाय 50, और आप चेक कीजिए 360 को 50 से डिवाइड करते हैं तो नंबर आता है 7.2। 7.2 में से आपने डेसिमल के बाद वाला नहीं लेना नंबर, आपने इसको सिंपल 7 कंसीडर करना है, इट मीन कि नंबर आया 7। अब फिर से आपने देखना है क्या ये ओड है या इवन, ये एक ओड नंबर है। फिर दूसरा, आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा? अगर ऑब्जेक्ट सिमिट्री पे है, सिमिट्री वाली पोजीशन पे है, तो नंबर ऑफ इमेजेस 7 ही आएंगी, और अगर ये असिमिट्रिक वाली किसी पोजीशन पे है तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या आएगी? 7 माइनस 1, इट मीन 6 आएंगी। बात करते हैं एक एग्जांपल की। अगर आपको कहा जाए कि दो प्लेन मिरर इंक्लाइंड है और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, और जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर है, असिमेट्रिक पोजीशन पर है, तो आपको नंबर ऑफ इमेजेस कैलकुलेट करनी है। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम सबसे पहले चेक करते हैं 360 बाय थीटा। थीटा यहाँ पर 60 गिवन है, तो 360 डिवाइड बाय 60, ये 6 आया। अब 6 देखिए इवन नंबर है या ओड नंबर है, ये एक इवन नंबर है, और हमने पढ़ा है कि इवन नंबर के केस में चाहे सिमेट्रिक पोजीशन हो चाहे सिमेट्रिक हो, नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला होता है 360 बाय थीटा माइनस 1, यानी 6 माइनस 1, टोटल 5 नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। मान लीजिए दो मिरर जो हैं दोनों आपस में पैरेलल हैं, प्लेन मिरर इंक्लाइंड है लेकिन दोनों पैरेलल हैं, तो इस केस में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखे तो उसकी कितनी इमेजेस बनेगी आपसे पूछा गया। देख सकते हैं दोनों पैरेलल है, इट मीन दोनों के बीच का एंगल जो है वो 0 है। अब 0 डिग्री एंगल है तो चेक करते हैं, आपको फॉर्मूला पता होगा, सबसे पहला स्टेप होता है 360 बाय थीटा।
तो 360 बाई थीटा, 360 बाई जीरो, समथिंग बाई जीरो, एक इन्फिनिटी नंबर आ गया। इन्फिनिटी में चाहे माइनस वन करें या एज इट इज ये यूज करें, तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी रहेगा। इट मीन इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस जो बनेंगी वो इन्फिनिटी बनेंगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह से और भी वीडियोस मिलती रहें, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बाकियों को भी शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि इससे पीछे वाली वीडियोस देखें, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक देख सकते हैं, उस पर क्लिक करके वो वीडियोस भी देख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।